थाना ठाकुर द्वारा कोतवाली क्षेत्र में शुक्रवार को खेत से मिट्टी उठाकर अपने प्लॉट में भराव के लिए जा रहे युवक की ट्रैक्टर के नीचे दबकर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। कई लोग जख्मी हो गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने अवैध वसूली के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली का पीछा किया, जिसके चलते यह हादसा हुआ। हंगामा बढ़ता देख मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आसपास के थानों से भी फोर्स बुलाई है। ग्रामीणों ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाते हुए दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। ठाकुर द्वारा के गांव तरफ दलपतपुर के ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम निवासी लोकेश उर्फ सोनू सैनी शुक्रवार सुबह ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर खेत से मिट्टी लेने गया था। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि अनीस नाम के कांस्टेबल ने उससे प्रति ट्रॉली 500 रुपए की डिमांड की थी। पैसे नहीं देने पर अनीस ने कार से सोनू का पीछा कर ट्रैक्टर रोकने को कहा। डर की वजह से सोनू ने ट्रैक्टर नहीं रोका तो सफेद रंग की गाड़ी से सिपाही ने उसका पीछा शुरू कर दिया। गाड़ी में 3 अन्य पुलिस कर्मी भी सवार थे। इसके बाद खेत पर जाकर सोनू का ट्रैक्टर पलट गया, जिसके नीचे दबने से उसकी मौत हो गई। इसके बाद भीड़ मौके पर आ गई। गुस्साई भीड़ ने पुलिस टीम पर पथराव किया। बंधक बने पुलिस वालों के कपड़े फाड़ दिए गए। उनकी गाड़ी की हवा निकाल दी गई। इसके बाद मौके पर पहुंचे भारी पुलिस फोर्स ने किसी तरह बंधक बनाए पुलिस कर्मियों को मुक्त कराया। गुस्साए ग्रामीणों ने ठाकुर द्वारा जसपुर रोड पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया और पुलिस कर्मियों के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की। उन्होंने पुलिस पर खनन की अवैध वसूली का आरोप लगाया है। सभी का कहना है कि पुलिस आए दिन उनसे जबरन वसूली करती है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होती, वे शांत नहीं बैठेंगे। मिट्टी गिर रहा था, जिसके पीछे सफेद गाड़ी थी, वो थाने की, वो पीछे पड़ी इसके। रोज पैसे मांगता था वो, रोज 500 रुपए दिन के एक ट्रैक्टर के। कौन मांगता है? अनीस कांस्टेबल। ये जो हादसा हुआ है, आपके भाई है जी? अरे क्या पूरी क्या हुआ, क्या था? मतलब जैसे मिट्टी पूरी हुई थी, इसके पीछे पड़े हैं, इनने जो आगे चलाया हो तो बच जाए, वो हो गया ट्रैक्टर से। अभी आए हैं पीछे, जब भी तो खतरे का मार हुआ है। अच्छा, अभी क्या मांगे आप लोगों की यहाँ? न्याय चाहिए। देखिए, ये ठाकुर द्वारा थाने क्षेत्र के अंतर्गत गांव दलपतपुर में सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली, जिसमें कि जो ट्रॉली है वो खाली है, एक गांव के पास में खेत में एक युवक का वहां पर बॉडी भी है और ट्रैक्टर ट्रॉली के पास में है, और जिसमें पुलिस के ऊपर आरोप लगाए गए थे कि थाने से 2 सिपाही की इन्वॉल्वमेंट के साथ में इस पूरी घटना में उनके द्वारा घटना कारित की गई है। इस संबंध में थाना प्रभारी के द्वारा संबंधित CO और SP ट्रैफिक, SPRA सभी के द्वारा मौके पर जाकर सभी तथ्यों की जांच की गई। फील्ड यूनिट के द्वारा साक्ष्य संकलन की इसमें कार्रवाई की गई है। परिवारजन के द्वारा जो आरोप लगाए गए वो गंभीर हैं और उनका संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से उसमें FIR भी दर्ज कराई गई है। हर पहलू पर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्वक और गहनता से जांच की जा रही है और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। इसमें अभी हम लोग भी इसमें जांच कर रहे हैं। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके हिसाब से विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इसमें 2 नामजद और 2-3 अज्ञात के खिलाफ दी गई है और उसमें जितने भी आरोप लगाए गए हैं उन आरोप की बिंदुवार हर पहलू से जांच करती है। कुछ ग्रामीणों के अंदर इस चीज़ को लेकर आक्रोश था और आक्रोश के संबंध में कानून व्यवस्था की स्थिति भी प्रभावित हुई और सभी जनप्रतिनिधियों के साथ, संभ्रांत व्यक्तियों के साथ मिलकर, गांव वालों के साथ मिलकर उस चीज़ को कंट्रोल किया गया है। सारी स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। सर, पुलिस वाले जो नाम दर्ज हैं, क्या नाम है उनका? उसमें एक का नाम अनीश और दूसरे का नाम नरेश। सर, गांव वालों का आरोप था कि वो 20,000 रुपए की रिश्वत मांग रहे थे और उन्हें देने पे इन सारे के सारे जितने भी आरोप हैं, इन सारे आरोपों की जांच की जाएगी, पुष्टि की जाएगी और उसके हिसाब से नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था? इसमें BNS की धारा 103A और 353A के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया।